चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमारे अभियान का सहयोग करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। मैं हाउस वाइफ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं। कभी हम लोग बाहर नहीं निकले, हम सब बाहर नहीं निकले। हमारे यहाँ हमारा प्रोटेक्शन जो प्रोसेस है वो हमारा 27 जनवरी में स्टार्ट हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें 11 दिन हो गए हैं और हम लोग तो पहले भी चाह रहे थे कि ये स्टार्ट हो, लेकिन हम लोगों के बड़े लोगों ने सबने रोका हुआ था कि जी नहीं हो। इफ्तदा यहीं से होनी चाहिए थी, जब रेशमी रुमाल की तहरीर यहाँ से लिखी गई थी तो अब भी शुरुआत यहीं से होनी थी। जब हमने देखा कि सब लोग हमें दबाए जा रहे हैं, फिर हम लोगों ने अंदर कोशिश की और हम लोग आगे बढ़े। देखिए, जब 3 तलाक वाला कानून पास हुआ तब हमारे यहाँ की महिलाएँ खामोश बैठी रहीं, क्योंकि हम देवबंद में ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर सारे ये इल्मुलमाए दीन होते हैं। हम लोगों को दबाए रखा, हम लोग पर्दे में रहते थे, कभी हम लोगों ने सड़क नहीं देखी। अब आप ये देखिए, आज हम आगे खड़े हुए, अल्हम्दुलिल्लाह हम पीछे नहीं हटेंगे। नहीं, हमें समर्थन किसी का नहीं मिला है और दारुलूम का नाम अगर इसमें जुड़ जाता तो हम लोग आतंकवादी कहला जाते हैं, क्योंकि देवबंद का अगर दारुलूम या देवबंद का कोई भी लोग जुड़ जाता है तो वो आतंकवादी कहलाता है, क्योंकि हम लोग बहुत सेंसिटिव एरिया में रहते हैं। अब बहरहाल हम लोग तो घरेलू औरतें हैं तो हम लोग तो आतंकवादी नहीं हो सकते ना। हम लोगों के हिंदुस्तानी खून है, खून हमारे खून में जोश है, हम लोगों का सिर्फ जोश आ रहा है। हम सिर्फ अपना हक चाहते हैं, हमारे हक मिल जाए, बस हमें यही चाहिए और कुछ नहीं। कब तक बैठेंगे आप? हम तब तक बैठेंगे जब तक के CNRC वापस नहीं हो जाता। हवा भी चली है, तेज तूफान भी आया है, बारिश भी हुई, हम लोग भीगे भी हैं, हमारी बूढ़ी बूढ़ी माए तक भीगी हैं। हम लोग तब नहीं हटे तो अब कैसे हट जाएंगे? कह रहे हैं कि शाहीन बाग में गोली चलवा देंगे, अरेस्ट कर लेंगे। हमें इन चीज़ का कोई डर नहीं है, अरेस्ट करना है तो कर लें हम लोगों को, लेकिन हम जब तक हमारी लड़ाई है जब तक ही वापस नहीं लेते। और हमसे हमारा प्रूफ मांग रहे हैं, हम ये कह रहे हैं हमारा प्रूफ है सारे जहाँ से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, गुलसिता हमारा। हमारी बात सुने मोदी, मोदी को हमने बेटा भी कहा, हमने फोन पर बेटे हमारा, हमारी बात सुन ले, ये कागज वापस ले ले, ये अपना कानून वापस ले ले, ए बेटे हम तेरी माँ हैं, हमारी बात मान ले। उसने नहीं मानी मोदी ने। आज औरतें अपने हक के लिए आ गई, कल उनके ऊपर कोई भी जुल्म होता है तो औरतें पी कर बैठ जाती, अब वो नहीं डरेंगी, वो शेरनी बन गई हैं, अब वो अपने हक के लिए हर जगह लड़ेंगी। अम्माएं कह रही हैं कि ये ना चूड़ियां बरसाई हैं हमने, अब की बार कोई आएगा ना पहना के ही भेजेंगे जी।